बिहार के सिवान जिले के दुरौंधा थाना क्षेत्र में 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। हालांकि कुछ लोग इसे जहरीली शराब से हुई मौत बता रहे हैं। वहीं पुलिस देवर गांव में पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बीच सिवान में 3 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई है। मौत के बाद से गांव में कोहराम मच गया। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत की वजह को लेकर प्रशासन की ओर से स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया गया। घटना दरौंदा प्रखंड के डेबर गांव की है। जैसे ही 3 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत की सूचना प्रशासनिक तंत्र को मिली, फौरन SDO संजय कुमार, DSP पुलिस कुमार, अशोक कुमार सिंह थानाध्यक्ष महाराजगंज, दरौंदा थानाध्यक्ष सहित सभी प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं दरौंदा के डेबर गांव में पुलिस कैंप कर रही है। दावा किया जा रहा है कि एक ही गांव के 3 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। आनन फानन में 2 मृतकों के परिजनों ने शव का दाह संस्कार कर दिया। मृतकों में अवध किशोर मांझी, नूर मियां और कमलेश मांझी हैं। एक निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में अवध किशोर मांझी की मौत हुई है। वहीं अन्य 2 लोगों की मौत गांव में हुई। मृतक कमलेश मांझी की पत्नी चंपा देवी ने कहा कि कुछ लोग बुलाकर जबरदस्ती लेकर गया और उसके बाद जब वो घर पर आपने आए तो बोलने लगी कि कुछ अजीब हमें लग रहा है। ठीक कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। ठीक इसी तरह कुल 3 लोगों की मौत होने की खबर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं महाराजगंज के SDO संजय कुमार ने बताया कि कुछ अफवाहें थी, गांव वालों से बात हुई, ये बीमार थे, स्वाभाविक मृत्यु हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छापेमारी भी कराई जा रही है। सिवान से राजेश कुमार की रिपोर्ट। सूचना हम लोग को मिली थी, कुछ अफवाहें थी, सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शराब पीने से हुआ है, परंतु हम लोग यहाँ पर टीम के साथ में सुबह से ही हैं और परिवार जनों से भी प्राप्त किए हैं, गांव वालों से भी बात किए हैं, रेड भी कर रहे हैं। ऐसी कि सूचना संपुष्ट नहीं हो पा रही है कि शराब पीने से मृत्यु हुई है, फिर भी अनुसंधान जारी है, रेड हम लोग करवा रहे हैं। यदि इस प्रकार कुछ प्राप्त होता है तो कार्रवाई भी होगी, परंतु अभी तक की जो सूचना है, गाँव वाले लोग बताए हैं, परिवार के लोग बता रहे हैं कि स्वाभाविक मृत्यु है। थैंक यू। घटना हुई है जो 3 आदमी की मृत्यु हुई है। एक तो मतलब कि एक संजोगी माना जाता है या माना जा सकता है, लेकिन ऐसा र्यूमर है कि मतलब कि जहरीली शराब पीने से हुई है, कहाँ तक ये सही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बीमार थे, बीमारी का इलाज अपना करा रहे थे और इलाज के दौरान ये लोग मर चुके हैं। जो भी अफवाह फैला हुआ है वो झूठ है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।